क्या हुआ? डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? इज्जत से चले जाओ या फिर बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गुम हो गई हो? लोग तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तुम बस अपनी शादी कुर्बान करते हो। Lashina, I'm talking to you. What happened? Gigi. कुछ नहीं, ऐसे ही बस। थाम लो मेरा हाथ, छोड़ना नहीं तो फिर डर नहीं लगेगा। ओके? हेलो। हाँ भी, अहमल को मेरे और हमजा के बारे में सब कुछ पता चल गया। कैसे पता चल गया? उसने मेरी और रिदा की बातें सब सुन ली थी जब हम बुटीक में थे। इसका मतलब यावर का शक बिल्कुल ठीक था। तुम अभी भी उनसे कांटेक्ट में हो दिल? क्या हो गया है आपको? मैं क्यों उनके साथ कांटेक्ट में होंगी? मैं हैदर के कहने पर बुटीक गई थी, जो ड्रेस ऑल्टर होने दिया था वही पिक करने। वहां रिदा मिल गई, मेरे तो वहमो गुमान में ही नहीं था। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है, महमल ने मुझे थ्रेट दिया है। उसने मुझे कहा है कि मैं इज्जत से हैदर की जिंदगी से निकल जाऊं, वरना वो मुझे बेइज्जत करके निकाल देगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे फेस करूं, मैं हैदर को कैसे फेस करूं। अच्छा रिलैक्स, बात सुनो। कुछ नहीं हुआ है दिल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। महमल के पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है, और हैदर भाई को जब कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो वो इस बात को कैसे मानेंगे? तुम्हें महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं, और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल तो वो तुम पे हावी हो जाएगी। बेटा नॉर्मल रहो ताकि हैदर भाई को शक ना हो। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। दिलनशीन। जी अम्मी। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? महमिल ने तो कुछ नहीं कहा। ताई अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मेरी एक फ्रेंड आई है इंग्लैंड से, घर आना चाहती है। मैं उसे इनवाइट कर लूं? मैं तो कहीं बाहर भी मिल सकती थी उससे, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती है। ये क्या बात हुई?
दोस्त तुम्हारी है, मिलना मुझसे चाहती है? पता नहीं, उसने बताया ही नहीं, बस इंसिस्ट करी है कि आपसे मिलना चाहती है। मैं पहले मिली हूं उससे? नहीं, आप उससे पहले नहीं मिली। अच्छा, नाम क्या है? रिदा। बुलाना चाह रही हो तुम? जब आप कहें। मेरे ख्याल में तो कल भी ठीक है। थैंक यू तायो। फिर क्या फैसला है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से निकाला जाए। मैं यहां से नहीं जा सकती, मेरी अम्मी भाई वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरा वहां रहना। वेरी सैड। उन लोगों को तुम्हारा वहां रहना बर्दाश्त नहीं, और मुझे तुम्हारा यहां रहना बर्दाश्त नहीं। सोच लो, कोई भी बहाना करके यहां से इज्जत से जा सकती हो तुम, और वहां इज्जत से रह भी सकती हो। चॉइस इज योर्स। दिलनशीन का कोई फोन आया? नहीं अम्मी। बैठे बिठाए क्या मुसीबत सर पे आने वाली है? सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या था अगर महमल ना वहां होती या फिर हृदय ही वहां ना पहुंचती? पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। अम्मी, हम दिलनशी के घर चले, परेशान हो रही होगी ना वो। उसकी ससुराल में जाके उसके अफेयर की बातें करें, हाँ, ताकि अगर महमल कुछ ना भी बताए तो उसकी सास हमारे मुंह से सुन ले। मैं तो उसकी परेशानी की वजह से कह रही थी आपको। अच्छा, उससे कहना ज्यादा परेशान ना हो। अगर महमल हैदर को कुछ बता भी देती है ना तो वो कर जाए, बिल्कुल ना माने। ये तो आप सोच रही है ना अम्मी, वहां क्या सिचुएशन चल रही होगी। महमल वैसे काफी शातिर है, उसे डराएगी धमकाएगी, इतनी जल्दी हैदर के सामने बात नहीं करेगी। फिर भी तुम उसे समझाओ कि वो समझदारी से काम ले। महमल अगर कोई बात कर भी देती है ना तो उसे हैंडल करे, अपनी जगह ना छोड़े। तभी कहते हैं ना, ये अफेयर बुरे होते हैं
शादी कहीं और हो जाए और फिर खामन को पता चल जाए तो औरत की दो कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाती। कैसे गुजरे फिर तुम्हारे दिन और रात? बस ठीक। जाहिर है जब मोहब्बत किसी और से हो और जिंदगी किसी और के साथ गुजारनी पड़े तो सिर्फ वक्त ही गुजारा जाता है। ऐसा बोले कोई सुन लेगा। हैदर से ज्यादा हैंडसम है वो। ये मौजू बीच में कहां से आ गया? तो पहले से बीच में था वो। और बात है कि तुमने हम सब की आंखों में धूल झोंकी हुई थी। खैर छोड़ो इन बात, फिलहाल मेरा एक काम करो। हैदर को ये यकीन दिलाना है कि तुम्हें मेरे और हैदर के प्यार से कोई एतराज नहीं है। या फिर जब मैं उसके साथ होती हूँ तो कम से कम तभी हमें थोड़ी स्पेस दे दिया करो। ऐसे क्या देख रही हो? मत भूल कि हैदर को वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जिनके अफेयर। मुझे ही देख लो, मरता था वो मुझ में, लेकिन जब मेरी जिंदगी में अनसब आ गया तो मैंने जमीन आसमान नहीं कर दिया। लेकिन अभी भी मुझे कबूल करने में हैदर को मसला है। तुम्हारी तो फिर कोई हैसियत नहीं ना, समझ गई? क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ खास नहीं। एक्चुअली सोच रहा हूँ। अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं दिन कैसा गुजरा आपका? क्वाइट बिजी। मैं सोच रहा हूँ कि ताई अम्मी बुला रही है। सिर्फ तुम्हें बुला रही कभी तुम मेरा हाथ पकड़ने के लिए मौका तलाश किया करो। तुम तब मैं जिंदा हो और मैं आज में जी रही। गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता। मैं नहीं आता मान लो, लेकिन हम गुजरा हुआ वक्त जो पहले साथ नहीं गुजार सके वो अब गुजार सकते हैं। किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है अपनी खुशी को जीने का। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उन सब को खुला का नोटिस भेज चुकी हो, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे यहाँ आने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं शादीशुदा,
दिलनशीन बीवी है मेरी, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारे। मैं शादी को अच्छे तरीके से निभाऊं। बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जिनसे तुम नजरें चुरा सकती हो, लेकिन मैं उन हकीकतों से अपनी नजरों को ओझल नहीं कर सकता। माना कि बहुत सी हकीकतें नजरों से ओझल नहीं हो सकती, लेकिन हमारा रिश्ता नजरों से ओझल हो सकता है। छुपाया जा सकता है इसे, हमारे निकाह का किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा कभी। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे सबसे नजरें चुरानी पड़े। एक वक्त था जब तुम्हें पाना मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल था, पर गुजर गया वो वक्त, और उसी वक्त ने मुझे इतने सवालों में उलझा दिया कि मैं इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया। तुम भी हो जाओ। दिलनशीन, मेरी बात सुनो। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि महमल की मौजूदगी इस घर में तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं, और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल तो वो तुम पे हावी हो जाएगी बेटा। देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारा रिश्ता नजरों से ओझल हो सकता है, छुपाया जा सकता है इसे, हमारे निकाह का किसी को पता नहीं चलेगा। दिलनशीन, प्लीज टॉक टू मी, इस तरह बिहेव मत करो, प्लीज। आप महमल से शादी कर लें। ठीक है तुम्हारा, तुम जानती हो तुमने अभी क्या कहा है। आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करती है। मैं ही आप दोनों के दरमियान आ गई थी। दरमियान में तभी कोई आता है जब पहले वजूद के नक्श धुंधला जाते हैं। और ये सब तुम नादानी में कह रही हो। नादान नहीं हूं मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। चाहे भूल जाइए, सब कुछ भूल जाए। मैं आपको इजाजत दे रही हूं कि आप महमूद से शादी कर लें, और बिल्कुल वैसे ही कह रही हैं जैसे वो कह रही है। अम्मी को मत बताएं। मैं नहीं जानता हूं कि ये बात तुम क्यों कर रही हो, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, मैं कभी नहीं कर सकता हूं। है अच्छा बस।
मेरे बर्दाश्त की एक हद है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। देखो बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान जो भी अनबन हो उसे अगले दिन का सूरज निकलने से पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। आपसे हैदर ने कुछ कहा है क्या? कभी कभी कुछ कहना जरूरी नहीं होता। बगैर नाश्ता किए गया है, मूड भी काफी खराब था। मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी बेटा। मियां बीवी के दरमियान अनबन झगड़ा हो ही जाया करता है, लेकिन उसे कमरे में छोड़कर ही बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें बेटी समझा है, इसीलिए बार बार समझा रही कि तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है दिलनशी, क्योंकि जब घर आग लगने के दहाने पर हो तो चिंगारी को पहले से बुझा देना चाहिए,
महमिल का वजूद किसी भी ऐसी चिंगारी को हवा देगा कि तुमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? बात मेरे समझने और आपके समझाने से बहुत आगे निकल चुकी है अम्मी। महमिल के पास मेरे माजी की वो कमजोरी है जिससे वो मेरे हाल और मुस्तकबिल दोनों को बर्बाद कर सकती है। दिलनशीन, बेटा सोचो में मत उलझो, उठो चलो नाश्ता करते। रसवाई चाहती हो अपनी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैंने हैदर से कहा था कि वो आपसे निकाह कर ले। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? इनकार कर दिया। हैदर के साथ तुम्हारे रिश्ते की उम्र मेरे और हैदर के रिलेशनशिप से बहुत कम है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। जब तक वो तुम्हारे साथ है मुझे कमिट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि चली जाओ यहां से। टूटी हुई शादी और बिखरे हुए दिल को समेटने के लिए उसे मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं बहुत अच्छे से समेट लूंगी उसे, दोबारा कभी ना बिखरने के। ये जिस जगह आप बैठी हैं ये जगह मेरी है। और मैं अपनी जगह, अपना शौहर और अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही ये रिश्ता खत्म करूंगी। ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो मैं कर दूंगी। तुम्हें महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं, और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल तो वो तुम पे हावी हो जाएगी। बेटा पता है, कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है कि आप जैसी इतनी इंटेलिजेंट, इतनी मैच्योर लड़की ऐसी बात कैसे कर सकती है। आपने मेरी और रिदा की सिर्फ बातें सुनी हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हैदर और अम्मी इतनी बड़ी बात बगैर किसी प्रूफ के मान लें? मुझे नहीं लगता कि इस सुनी सुनाई बात पर कोई भी बिलीव करेगा, ना हैदर और ना ही अम्मी। मैं चलती हूँ।
कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस कोई पुरानी बातें दोहरा रही थी। दोहराने दो उसे, तुम बस अपने रिश्ते पर तवज्जो दो। आज भी हैदर बगैर नाश्ते के चला गया है। तुम उसके ऑफिस चली जाओ और दोनों साथ लंच करो। बस वहीं जा रही थी। जीती रहो, खुश रहो। Yes. तो Can I come in? मैं बाद में बात करता हूँ। नाराज है क्या मुझसे? नहीं, आओ बैठ। थैंक यू। तो फिर बगैर नाश्ता के क्यों आ गए? मीटिंग थी। I'm sorry. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry. पता नहीं मेरे दिमाग में। अगर कहने से पहले सोच लिया होता तो सॉरी कहने की नौबत ही ना आती। तुमने जो भी सोचा मेरे बारे में या जो भी कहा उसमें तुमने मेरा भला सोचा। मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा ही होता है, दोनों हमेशा एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। ऐसे में तुम्हारी अच्छाई समझाऊं या बढ़ाई, बात तो यही है। इसलिए मैं भी एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये तुम्हारा मेरा जो ताल्लुक है बहुत मायने रखता है मेरे लिए। दिलनशीन मैं कभी भी नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई एक जरा सी भी दरार आए। मैं समझ सकता हूं इस बात को। तुम्हारे लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि मेरे माजी का प्यार तुम्हारी नजरों के सामने है, तुम बर्दाश्त करती हो। हाँ, महमल की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं जो मुझे ही हल करने, एक कजन की हैसियत से, ना उसकी हैसियत मेरी जिंदगी में बदलेगी और ना कभी तुम्हारी। क्योंकि जब तुम मेरे साथ सच्ची हो तो कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। ना मुझे झूठ बोलना पसंद है ना ही सुनना, इसलिए तो तुम पसंद नहीं मुझे। अगर मैं चाहती तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती थी, क्योंकि तुम जैसी लड़की जिसका माजी में कोई अफेयर रहा हैदर ना तो अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकता और ना ही अपने घर में। दिलनशीन, तुमसे शादी करने की बहुत बड़ी वजह यह भी है मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द। तुम्हारे माजी का अफेयर तुम्हारे हाल को जहन्नुम बना सकता है। दिलनशीन, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चले बैठो। पहली दफा ऑफिस आई है, सबसे मिलवाऊंगा तुम्हें, ऑफिस दिखाऊंगा, फिर जहां बोलोगी ले चलो। प्रॉमिस। नहीं अम्मी, ये महज इत्तफाक नहीं है, इसमें जरूर दिलनशी की कोई ना कोई प्लानिंग है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये इत्तफाक है। आप खुद सोचें, एक बुटीक में उसी वक्त रिदा और दिलनशी का मिलना, महमल का पहुंचकर सारी बातें सुन,
और ये बातें उसने सुनी नहीं है बल्कि उसे सुनवाई गई। और जो कुछ भी कर रही है दिलनशीन बहुत सोच समझ कर कर रही है, ताकि जबरदस्ती के रिश्ते का जो फंदा हमने उसकी गर्दन में लगाया था उससे वो आजाद हो सके। यावर, दिलनशीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बहुत परेशान लग रही थी अम्मी वो। जाहिर है अगर ये खबर तुम्हें गुड न्यूज की तरह सुनाई जाती तो तुम्हारा रिएक्शन ये ना होता। या तो इस सब के पीछे दिलनशीन का नहीं हमसा का दिमाग है। क्या पता कि वो यहां से गया ही ना हो। सोचें जरा, अगर ये सब सच होता तो दिलनशीन बहुत आराम से हैदर भाई को सारी बात बता के मैटर को सॉल्व कर लेती। उसे परेशान होने की या मुझे बताने की क्या जरूरत थी? ये सब उसने हमारा दिमाग बनाने के लिए कोशिश की, खुद को साफ बचाने के लिए उसने सारा मलबा हैदर पे डाल दिया। हैदर के माजी को निशाना बना के वो एक तीर से दो शिकार कर रही। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिलनशी ने इस रिश्ते को शुरू ही दिन से कबूल नहीं किया। वो हमारे कहने पर मजबूर होकर गई जरूर थी, लेकिन उन लोगों से रब्ता नहीं तोड़ा था। पहले तो शायद मैं ना जाती, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। उसे भी तो पता चले जो खेल वो खेल रही है हमारे सामने खुल चुका है। डिसअपॉइंट किया है दिलनशी ने। हाँ, खाना इनका बहुत मजे का होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम डेजर्ट जरूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ।